नमस्कार, मैं परविंदर कौर। आप देखना शुरू कर चुके हैं डेमोक्रेटिक वायर का खास कार्यक्रम सियासी किस्से। आज के एपिसोड में हम जानेंगे एक ऐसे राजनीतिक किस्से के बारे में जब एक ही विधानसभा सीट से चुने गए थे दो विधायक। राजनीति का ये रोचक किस्सा साल 1952 के चुनाव में हुआ था। ये कहानी है बिहार के दमदहा विधानसभा क्षेत्र की। आज़ाद भारत में पहला विधानसभा चुनाव 1952 में हुआ था। उस दौरान दमदहा और कोड़ा संयुक्त रूप से 111 दमदहा सह कोड़ा विधानसभा क्षेत्र कहलाता था और यहाँ से एक साथ दो विधायक चुने जाते थे। 1952 में हुए चुनाव में स्वर्गीय डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु एवं स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट से विजयी हुए थे। इस क्षेत्र में कुल 87,744 मतदाता थे। स्वर्गीय शास्त्री 26,588 व स्वर्गीय डॉक्टर सुधांशु को 26,453 मत मिले थे। 1952 के उस चुनाव में इन दो के अलावा एक जगरूप मंडल स्वर्गीय नरसिंह नासिंह व स्वर्गीय कुमार राम प्रकाश अलग अलग दलों से प्रत्याशी थे, जहां स्वर्गीय मंडल व सब स्वर्गीय सिंह सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी थे, वहीं स्वर्गीय प्रकाश के एमपीपी उम्मीदवार थे। पहली बार हुए विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का जुनून सर चढ़कर भोला था। ऐसे ही रोचक सियासी किस्सों को सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डेमोक्रेटिक वायर को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए।